आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी विष्णु स्वरूप। सह और मात के सियासी खेल में आज दिग्गजों के मत पेटियों में उनकी किस्मत बंद हो चुकी है और उधर मतदाता यह कहते हैं कि जीतेगा बिहार। चुनाव के आखिरी चरण में जहां नीतीश कुमार ने आखिरी दांव चलकर राजनीति का अंतिम मोहरा चल दिया, वहीं उम्रदराज राजद से रमई राम 77 वर्ष, वीआईपी रामचंद्र साहनी 77 वर्ष और सीपीआई के राम नरेश पांडे 76 वर्ष की अंतिम पारी का आगाज हो गया। आज राजद ने 46 सीट, कांग्रेस ने 25 सीट, भाकपा माले ने 5 सीट, भाकपा 2 सीट, जदयू 37 सीट, भाजपा 35 सीट, वीआईपी 5 सीटें और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ी। इसी के साथ बिहार की सियासी तस्वीर भी साफ होने लगी। दावा नीतीश की वापसी का तो तेजस्वी सरकार के गठन का, परंतु इतना तो तय है कि वोटरों ने सबको उलझा रखा है और एक नए गठबंधन के जरिए सरकार की कुर्सी पर काबिज होने की जुगत लगा दी है। तीनों चरणों के चुनाव परिणाम आने में 3 दिनों का लंबा इंतजार दिखता है, तो सियासत के मर्म को समझने वालों को यह सरकार भी 3 महीने की दिखने लगी है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों सत्ता के केंद्र में पहुंचने से चुकते हैं तो अस्थिर सरकार की कल्पना से कोई गुरेज नहीं कर सकता। फिर तो बात मध्यावधि चुनाव की होगी। वैसे राजनीति में सब कुछ जायज होता है और फिर अंतिम चुनाव वाले मुख्यमंत्री मतगणना के दिन भी कुछ और चौंकाने वाले कदम उठा सकते हैं। लोकतंत्र के जागरूक मतदाताओं ने चचरी पुल से गुजरकर जो विकास का मापदंड तैयार किया और अब उबडूब करते बिहार के बाढ़ को 83 वर्षों से झेला है, पैदल कई किलोमीटरों का लंबा सफर तय किया है, ऐसा क्या करे कि अलाउद्दीन का चिराग लेकर नया बिहार गढ़ ले। बहरहाल अब झेलने और भुगतने की बारी उनकी है जिसने विरोध में मत डाले, उनका क्या जिन्होंने सरकार बनाने की कवायद ही पूरी कर ली और 5 वर्षों तक वादों का लॉलीपॉप चूसने की जुगत लगा ली। पर बदलेगा बिहार महान मतदाताओं की शपथ यह कहती तो है अवश्य। धन्यवाद।